हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक नई नई राजनीतिक पार्टी बनी है भारत में। जी हाँ दोस्तों, तो उसी के बारे में बात करेंगे। बहुजन आज़ाद पार्टी नाम है इसका, तो आइए बात करते हैं दोस्तों। पार्टी का नाम है बहुजन आज़ाद पार्टी, इसी का शॉर्ट फॉर्म है बाप। इसका गठन दोस्तों अभी हुआ हो रहा है, 2018 में ही हो रहा है। जो IIT के स्टूडेंट है ना, ST OBC के ज़्यादातर, वही इसका गठन कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि 2019 में हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन 2020 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसमें हम अपनी कैंडिडेट उतारेंगे। इनका लक्ष्य दलित पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको कम करना और उनको अधिकार दिलाना। प्रभाव मुझे लग रहा है दोस्तों कि नेशनल पॉलिटिक्स पे इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। हाँ, क्षेत्रीय लेवल पर असर पड़ सकता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, हम सबको मालूम है बीजेपी 1980 में बनी, लेकिन ये सही बात नहीं है। 80 में नहीं बनी बीजेपी, पहले भी थी। आपको मालूम होगा पहले क्या था, जनसंघ था, जनता पार्टी थी। तो जनसंघ और जनता पार्टी से यही ज़्यादातर लोग इधर आए थे, कुछ RSS के लोग। तो इस ये तीनों का इसको सपोर्ट है। RSS आपको मालूम 1925 में बन गया था, और जनसंघ ये शुरुआत इनके भी ये भी लगभग 40-50 के आसपास, 1940-50 के आसपास ये बने थे। अब आप देखोगे, ये देखिए बीजेपी 1980 में बन गई थी, मगर आप सरकार में 1999 में, वो भी देखिए 96 में भी बने थे ये। आप कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन 16 दिन के लिए बने थे, ठीक है। उस टाइम पर इनकी सीट बहुत कम थी। 1999 में भी इनकी मतलब गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली इनकी सरकार कब आई है? 2014 में, यानी कि 34 साल बाद। तो आप देख सकते हो कि भारत में राजनीति सफल होती है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, जब बीजेपी को इतना सपोर्ट था, तब ये लोग इतने साल बाद, 34 साल बाद आए हैं सरकार में। अब बात करते हैं, एक और पार्टी है BSP। देखिए, BSP 1984 में बनी। यूपी में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन पूर्ण बहुमत कभी 1 साल, कभी 6 महीने के लिए। लेकिन पूर्ण बहुमत कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस उससे, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करे, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो 2007 में बनी ना, आप सबको मालूम है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो कितने साल, 22 साल बाद सरकार बनी है, वो भी क्षेत्रीय लेवल पर। आप देखोगे कि BSP का प्रभाव है राज्यों में, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में तो कमी है ना। एक अभी तो जीरो मतलब उसके सांसद हैं, 2000 मतलब 9 में उनको उसके 21 सांसद थे, लेकिन अभी तो जीरो है ना। अब बात करते, आप कुछ लोग सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी तो सक्सेसफुल हुई ना, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी का एक अलग कारण था। आम आदमी पार्टी का अन्ना आंदोलन और कांग्रेस दिल्ली में घिर गई थी बिल्कुल। कांग्रेस के इतने घोटाले आए कि क्षेत्रीय लेवल पर उसने दिल्ली में बहुत अच्छा प्रभाव किया, और मतलब कांग्रेस क्या, वो तो बीजेपी का भी सूप बड़ा साफ कर दी वहां से। तो मगर नेशनल पॉलिटिक्स पे तो आप देख रहे हो ज्यादा सर कहाँ है। नेशनल पॉलिटिक्स पे जब तक आपके पास 20-25-30 सांसद नहीं हो, आप कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। तो ये है दोस्तों, मुझे लग रहा है इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, 10-20-30 साल बाद यदि ये थोड़ा सक्सेसफुल हो पाए तो प्रभाव पड़ेगा, वरना कुछ नहीं है। पार्टी को मुझे लगता है एक नेता चाहिए, बड़ा नेता, तो ही पार्टी बनी बन सकती है। अब आप ही मान लीजिए, MP में एक पार्टी है, किसी बहुत लोगों को मालूम होगा है, लेकिन आपको मालूम है बहुजन संघर्ष दल, जिसके प्रमुख है कौन है? फूल सिंह भरैया। लेकिन आपको मालूम है वो सक्सेसफुल हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि वो मैं बड़े पेड़ से कट गए ना, बड़े पेड़ से एक शाखा कट जाती है तो शाखा सूख जाती है। इसी प्रकार से वो BSP से कट गए तो कुछ नहीं है उनका वजूद। तो इसी प्रकार से जब तक आपको किसी पार्टी का वजूद नहीं मिलेगा ना, आप वैसे भी कुछ भी बोलते रहिए सभा में, कुछ नहीं है, लेकिन आप किसी पार्टी के नाम से बोलोगे तो आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि आप जो बाप पार्टी बनी है बहुजन आजाद पार्टी, उसका क्या प्रभाव रह सकता है, क्या उसका भविष्य है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। और दोस्तों, मैं ये वीडियो, हमारा एक अलग से चैनल भी है पॉलिटिकल अड्डा, उस पर भी डालूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप उसको भी जरूर विजिट करें। पॉलिटिकल अड्डा नाम से चैनल है दोस्तों, मैंने उस पर डाला है कर्नाटक चुनाव कौन जीतेगा, और बीजेपी की पहली बार गवर्नमेंट कब बनी थी, पहला गैर कांग्रेसी मतलब गैर कांग्रेसी PM कौन बना था, और ये वीडियो भी मैं इसके भी कुछ तथ्य डालूंगा। तो प्लीज आप उसको भी विजिट करें। ध्यान नाम ध्यान रखें, पॉलिटिकल अड्डा। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।